12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने शादी के लिए याचिका दायर कर पैरोल की मांग की है, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने सलेम की पैरोल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। 16 फरवरी को सलेम ने मुंबई की तलौजा जेल के अधिकारियों को अर्जी दी, जिसमें 45 दिन की बेल की मांग की गई है। अर्जी में अबू ने लिखा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो सैयद बहार कोसूर उर्फ हीना से शादी करना चाहते हैं, जिसके लिए उसे 45 दिन की अस्थायी जमानत चाहिए। पूरे मामले को देखने के बाद उसकी अर्जी 5 अप्रैल को थाने पुलिस कमिश्नर के पास भेजी गई और उसके बाद आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस स्टेशन भेजी गई। इस पत्र के मिलने की पुष्टि थाने के पुलिस कमिश्नर ने भी की है। थाने के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा है कि हमें शादी के लिए 45 दिन की पेरोल देने का आवेदन अबू सलेम ने दिया था। अबू सलेम 5 मई को शादी करना चाहता था और हम इस मामले को देख रहे थे। पुलिस ने हीना के परिवार वालों के बयान भी रिकॉर्ड किए थे और अपनी याचिका में सलेम ने लिखा था कि वह 45 दिन की पेरोल के दौरान मुंब्रा में हीना के घर पर रहेगा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।